ये देखिए, यही वही यही वो छेद है जहाँ से बंदूक की गोली चला जाती थी। किला देखो, नीचे को भी कोई चांस नहीं है बचने का। परमान भाई टहल रहे हैं, तदीम भाई भी इनका भरपूर साथ दे रहे हैं भरी गर्मी में। देख सकते हैं यहाँ पर बम मारा था विक्टोरिया ने, लेकिन वो ऊपर ऊपर कोई ध्वस्तीकरण कर सका, नीचे तक नहीं अब पहुंच लव सका। स्पॉट बन चुका है। हाँ, ये रहा देखो टीपू सुल्तान का मजार, हाँ बता दो सब पूरे पे इधर बादशाहत करने वाला आदमी इधर। आज मिट्टी में सो रहा है। तो हमें सबको इस रोड में आखिरत की बताओ, तैयारी करनी चाहिए। इसकी तो तारीफ करो, रोड को दिखा के कितना ये चौड़ा। देखिए, ये तो कितना चौड़ा रोड है, एक ट्रक चल सकता है अगर ये वाली दीवार हल्की सटा दी जाए तो। इंजाइन बता दिया, बता। बना देता है इनकी। हाँ, यही वो जगह है देखिए जहाँ पर सुबह सुबह टीपू सुल्तान फ्रेश होने आता था। आज भी उनकी सूखी लैटरिन यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं आप। हाँ, यही वो जगह है। तुम्हारा तो साला बीजीएम से करना चाहिए था तुम्हें। टीपू सुल्तान जी बहुत अच्छा, आज़ादी में भी अच्छा योगदान है इनका। यहाँ पर देखो पूरा टैंक रख के चलाया करते थे, ये देख सकते हैं आप। इसलिए झाड़ू भी हुए उनका फ्लैट होने के लिए। बहुत अच्छी जगह है, आज भी खतरनाक अभी अभी भी है, कुछ भी हो कपल के सकता लिए, है। कपल यूज कर रहे हैं ब्लॉक। अब यहाँ पर जगह जगह दीवारों पर शौकीन जहाँ, मरियम जहाँ, बकायदा शबनम सलीम सबके नाम पोत दिए गए हैं। आशिक महरूम अपने अपने कपलों को लेकर यहाँ आते हैं, वो अपना नाम लिखकर चले जाते हैं। उनका मानना है कि यहाँ नाम लिखने से उनकी शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते। देखिए, यही वो लेकिन था, अभी तक हमने कोई ऐसी शादी यही का वो साइन नहीं कब्र है जहाँ किया। पर टीपू सुल्तान जैसा बादशाह, जिसने शायद हाँ अपने वो आतंक से दुनिया को दहला रखा था, देखिए वो यही अब कब्र में मिट्टी में सो रहा है। हमारा सबका यही आखिरी मुकाम है मेरे दोस्तों।